वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे में मिले कथित शिवलिंग को लेकर चारों ओर चर्चा जारी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे में जिसे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है वो शिवलिंग नहीं बल्कि वुजू खाने का फव्वारा है। दोनों पक्षों के दावों पर लगातार बहस जारी है। ऐसे में अगर आपके मन में सवाल है कि आखिर वुजू क्या होता है, तो आइए जानते हैं क्या होता है वुजू और इसे कब और कैसे किया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हर एक मुसलमान को वुजू करना बेहद अहम बताया गया है। वैसे तो अधिकतर समय में नमाज के समय ही वुजू किया जाता है, लेकिन इस्लाम में कहा गया है कि एक मुसलमान को हमेशा वुजू करके पाक रहना चाहिए। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि वुजू क्या होता है और कैसे किया जाता है, तो इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। वुजू एक तरीका है जिसमें इंसान अपने शरीर के कई अंगों को धोकर साफ करता है। इसके लिए एक प्रक्रिया है जो पूरी तरह अपनाई जाती है। वुजू करने के लिए सबसे पहले इंसान अपने मुंह और नाक में पानी डालकर सफाई करता है, जिसके बाद मुंह पर पानी डालकर उसे साफ किया जाता है। इसके बाद हाथों को कोहनी तक धोना होता है। फिर इंसान को पानी को अपने बालों से ले जाते हुए कानों की सफाई करनी पड़ती है। वुजू के आखिर में अपने पैर धोए जाते हैं। पैर को धोते समय याद रखा जाता है कि इन्हें टखनों तक धोया जाए। इसके बाद वुजू पूरा हो जाता है, जिसके बाद इंसान नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस्लाम के अनुसार किसी भी हाल में एक मुसलमान को वुजू करना ज़रूरी है। अगर वो नमाज पढ़ने जा रहा है, बिना वुजू के नमाज नहीं मानी जाती है। इसी वजह से आपको हर मस्जिद या दरगाह पर वुजू खाना मिल जाता है। ऐसे ही वुजू खाने के होने के दावे का ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर भी किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जिस शिवलिंग को बताया जा रहा है वो वुजू खाने के अंदर लगा हुआ फव्वारा है, जिसकी मदद से लोग वुजू करते हैं।